जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी परिवार में विवाह होने के उपरांत स्त्री घर छोड़ के चली जाती हो, विवाह होने के बाद में स्त्री के बच्चा होने के बाद भी स्त्री घर छोड़ के चली जाती हो, या फिर छोड़ के चले जाने के बाद में तलाक से संबंधित किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती हो, या तलाक हो चुका हो और फिर भी यदि आप चाहते हो कि वो स्त्री आपके यहां पे आ जाए, या छोड़ के चली गई हो और आप चाहते हैं कि वो स्त्री वापस बच्चे को लेकर के आ जाए, तो इस कार्य के लिए सर्वप्रथम लड़के की और लड़की की दोनों की जन्म पत्रिका का मिलान करना होगा। अब हमें बहुत से महानुभाव जो विवाह कर चुके होते हैं, इस प्रकार की घटनाओं के साथ घटित हो चुकी होती है, वह यह कहते हैं कि साहब हमने पत्रिका मिला करके ही शादी करी। पर मैं कई बार ऐसी पत्रिका देखता हूं जिसमें पता लगता है पंडित जी ने विवाह तो करवा दिया, पत्रिका का मिलान भी करवा दिया। यदि जन्म नाम से पत्रिका का मिलान नहीं हो रहा था तो उनने यह बोल दिया कि भैया आप इसका नाम बदल दीजिए और बोलते नाम से वो गुण मिला करके आपको लग्न लिख करके विवाह करवा देते हैं। यह पूर्णतः गलत है, यह किसी प्रकार की कोई भी परंपरा नहीं है और नहीं परिपाटी है। और यदि कोई ब्राह्मण या ज्योतिषी इस प्रकार का आपको काम करके देता है तो आप बिल्कुल भी विवाह आगे किसी और बच्चे का न कराएं। और यदि पत्रिका मिलान भी हो गया, किसी ज्योतिषी ने या किसी ब्राह्मण ने आपको पत्रिका मिला के दे दी, परंतु आपको नहीं मालूम कि उस ब्राह्मण को ज्योतिष का ज्ञान है या नहीं है, उस ब्राह्मण को सिर्फ पूजा पाठ करने का ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान नहीं, परंतु आपके अनजान होने की वजह से, आपको ज्ञान नहीं होने की वजह से आप अपने पंडित जी के पास ही चले जाते हैं कि साहब ये आई पत्रिका आप मिला दो। वो उनके पास जो छोटा सा पंचांग होता है उस पंचांग के हिसाब से गुण मिला करके दे देते हैं और विवाह करवा देते हैं। यह भी पूर्णतः गलत है। इसलिए मेरा सभी मित्रों से, बड़े बुजुर्गों से विनम्र निवेदन है कि आगे अब किसी का भी विवाह करें तो पत्रिका एक नहीं कम से कम तीन चार ज्योतिषाचार्य से ही मिलान कराएं, न कि पंडित जी से करवाएं। पत्रिका मिलान में यदि मांगलिक अमांगलिक दोष हो तो बिल्कुल भी विवाह न करें। चाहे आप ये कहेंगे कि हमने तो कुंभ विवाह कर दिया, हमने तो किसी वृक्ष से विवाह करवा दिया, हमने लाल पूजा करवा दी, परंतु उसका दोष खत्म नहीं होता है। तो मांगलिक अमांगलिक यदि है किसी भी प्रकार से तो बिल्कुल भी विवाह नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए, अन्यथा पति पत्नी दोनों के बीच में जिंदगी भर तक खटपट होती रहेगी, एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना जागृत होती रहेगी, एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। यदि भकुट दोष है पत्रिका में तो भी विवाह न करें, क्योंकि भकुट दोष होने पर बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, और कभी कभी बच्चे उत्पन्न हो भी जाते हैं तो लड़का उत्पन्न नहीं होता है। और यदि आपकी कुल देवी कुल देवता की कृपा से लड़का उत्पन्न भी हो गया तो वह लड़का 20-21 साल की जवान मौत होकर के मरता है, आप फिर खाली हाथ हो जाएंगे। इसलिए मैं फिर से आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि पत्रिका मिलान होने के बाद ही विवाह करें, और इस प्रकार का मिलान करें जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं कि मांगलिक अमांगलिक होने पर बिल्कुल भी भूल करके विवाह न करें, भकुट दोष होने पर बिल्कुल भी विवाह न करें। चाहे ज्योतिषाचार्य आपको बोल दे कि साहब कुछ नहीं, पूजा पाठ कर लेना, इस ग्रह की शांति कर लेना, ये राशि की शांति कर लेना, इससे भकुट दोष शांत हो जाता है, पर भकुट दोष शांत हो जाता पर वो बाद में तो उठ सकता है ना, तो जब भी भकुट दोष उठेगा तब आपको तकलीफ होगी। नाड़ी दोष होने पर भी कभी विवाह नहीं करिए, अन्यथा बच्चे उत्पन्न होने में दिक्कत आ जाती है और परिवार के अंदर सामंजस्य नहीं रहता है, स्त्री घर छोड़ के जाने की संभावना पूरी पूरी बनती है यदि नाड़ी दोष है तो। और नाड़ी दोष होने पर ऐसा माना जाता है कि भाई बहन की ही शादी हो रही है, इसलिए नाड़ी दोष होने पर बिल्कुल भी विवाह न करें।
एक का भी काल सब दोष है, दूसरे को काल सब दोष नहीं है, तो बिल्कुल भी विवाह नहीं करें, क्योंकि काल सब दोष होने पर दोनों का काल सब दोष होगा तो ही अच्छे से रह पाएंगे, अन्यथा अच्छे से नहीं रह पाएंगे। क्योंकि काल सब दोष होने पर यह माना जाता है कि उस व्यक्ति को या उस स्त्री को जिसका काल सब दोष होता है उसे पूरी जिंदगी भर तक संघर्ष करना होता है, चाहे वो पैसे का संघर्ष हो, चाहे वो सुख का संघर्ष हो, चाहे वो आनंद का संघर्ष हो, परंतु संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए काल सब दोष होने पर दोनों को काल सब दोष हो तो ही करें, अन्यथा विवाह न करें। जय माता दी, जय माता मक्या।